इधर सागर के देवरी विकास खंड के एक गांव में बीते 15 दिनों से अंधेरा है। देवरी से 9 किलोमीटर दूर ये गांव विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते अंधेरे में रहने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि तेज बारिश और आंधी तूफान से गांव में सप्लाई बंद हुआ था, जिसे लेकर शिकायत के बाद भी विद्युत विभाग द्वारा सुधार नहीं किया गया। इधर देवरी पहुंचकर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की शव यात्रा निकाली और जमकर नारेबाजी की। गांव में 15 दिनों से बिजली नहीं आई है, ग्रामीण परेशान है, लेकिन इसके बावजूद बिजली विभाग की नींद अब तक नहीं खुली है। ग्राम पंचायत इंदिरा में विगत 15 दिन से लाइट बंद है। गांव में विगत 4 महीने से मिट्टी तेल नहीं मिला, पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ है और घरों में आटा नहीं है। आदमी भूख मरने के कगार में, दूरी आटा किसानी के लिए आती है तो घर पर रोटी बन पाती है। किस कारण से लाइट बंद है? वो तो बिजली विभाग की लापरवाही है और खम्भे टूटे पड़े हैं, तार टूटे पड़े हैं और अब कारण तो वो बताएं क्यों बंद करें। मैंने एमपीवी के अधिकारी को बुलाया है और उन्होंने कहा है कि वर्षा के कारण जो पोल आदि टूट गए थे उन्हें रिपेयर करा लिया गया है, आज शाम तक या संभवतः सुबह तक लाइन चालू हो जाएगी। साथ में ये भी जरूरी है कि उनके द्वारा बताया गया है कि उस गांव के बिल बहुत ज्यादा बकाया है, लोग बिजली का पैसा भी जमा नहीं कर रहे हैं, तो गांव वालों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो बकाया बिजली के बिल जमा करें ताकि लाइन सुचारू रूप से संचालित रह सके।